बिहार के गया में भी भेड़िए के आतंक से लोग परेशान हैं। मकसूदपुर गांव में ग्रामीणों ने भेड़िए को पीटा, पीट पीट कर मार डाला। भेड़िए के हमले से गुस्से में थे ग्रामीण। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के ही कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। बहराइच में कम नहीं हो रहा भेड़ियों का आतंक। बीती रात भेड़िए ने किया 6 साल की बच्ची पर फिर से हमला। लोगों के शोर मचाने पर जंगल की ओर भागा भेड़िया। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच में अभी भी पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। अभी तक पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही है वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में होने वाली हर हरकत पर रखी जा रही है नजर। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक है। सदरपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, 6 ग्रामीण घायल हुए हैं। हमला करने वाले जानवर को भेड़िया बता रहे हैं लोग। लखीमपुर खीरी में आज सुबह फिर बाघ दिखने से हड़कंप मचा। बागमरा गांव के पास ये बाघ दिखा है। इलाके में बाघ की दहशत का 6ठा दिन है। हापुड़ में तेंदुए की दहशत बरकरार है। ग्रामीणों को तेंदुए के हमलों से बचने के लिए टिप्स दे रहे हैं वन अधिकारी। बहादुरगढ़ क्षेत्र के नवादा समेत कई गांव में तेंदुए की दहशत है। भेड़ियों और तेंदुए के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए रणनीति बनाए। भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, जब पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक बंदूक लेकर घूमे तो समझ जाइए कि स्थिति कैसी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। रेप के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान से जुड़े हुए विधेयक को पास करने की कोशिश होगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में की है गिरफ्तारी। टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने ममता सरकार पर तंज कसा। कहा, जब इंसाफ आदमी नहीं देता है तो ऊपर वाला देता है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी को लेकर उनका ये बयान। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर बोले सुकांत मजुमदार। कहा, पश्चिम बंगाल के लोग चाह रहे थे कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार हो। मुझे पहले से ही पता था कि सीबीआई गिरफ्तार करेगी। विवादों में वेब सीरीज आईसी 814 द कंधार हाईजैक। आतंकियों के गैर मुस्लिम नाम इस्तेमाल करने पर विवाद हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया। आईसी 814 वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग तेज। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। हाईजैक में शामिल आतंकवादियों की असली पहचान को छिपाने का आरोप लगाया गया। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, अपहरणकर्ता खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान बदलने के लिए दूसरे नाम रखे थे, लेकिन फिल्मकार ने उसे वैधता दी। उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना का। जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को सच मान लेते हैं वो अब अचानक से चाहते हैं कि पटकथा में बारीकी और वास्तविकता। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बताया हिंदू और राष्ट्र विरोधी। कहा, दर्ज हो देशद्रोह का केस। आज से एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। कई राज्य और बैंक के दलीय प्रतिनिधि होंगे शामिल। कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। डिजिटल कृषि मिशन और फसल विभाग की विज्ञान की योजना इसमें शामिल है। वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगी 240 एरो इंजन। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी है। 1 साल बाद शुरू हो जाएगी एरो इंजन की सप्लाई। ट्रिपल तलाक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आईएस कृष्णिया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृष्णिया की पत्नी की रिहाई के आदेश को रद्द करने की याचिका। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई पावर कमेटी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह होंगे चेयरमैन।
नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। आज हाईकोर्ट में पेश करनी होगी एसआईटी की प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट। समिति में शामिल लोगों के नाम भी बताने होंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़की से कार और होटल में गैंग रेप हुआ है। शिकायत के बाद तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर के कांग्रेस नेता के खिलाफ पॉक्सो और रेप का केस दर्ज हुआ है। अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ में विधायक विनय वर्मा के सरकारी आवास में चोरी। डाइनिंग रूम, वॉश बेसिन और बाथरूम के नलों को तोड़कर टोटियां चुरा ले गए चोर। पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। अब जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने तीन युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। लड़की को धर्म के नाम पर गुमराह कर बनाया जा रहा था शादी का दबाव। मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। मेरठ में जल निगम के जेई की बेटी के अपहरण की कोशिश नाकाम। खुद को घिरता देख लड़की को छोड़कर फरार हुए बदमाश। 6 साल की बच्ची को घर के बाहर से ही अगवा कर लिया था। बदमाशों की तलाश जारी। बिहार के गोपालगंज में पत्नी को उफनती नदी में फेंकने का आरोप। दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिला को नदी में फेंका। परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। ओडिशा के पारादीप में हादसा हुआ है। मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे। पारादीप बंदरगाह की ओर जाते समय यह हादसा हुआ। हादसे की जांच करा रहे हैं रेलवे के अधिकारी। कानपुर में गंगा में डूबे स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। गंगा में स्नान करते समय हादसा हुआ। अचानक गहरे पानी में चले गए थे आदित्य वर्धन। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। इंदौर के होटल में ठहरे अमेरिकी प्रोफेसर की मौत। 30 अगस्त से होटल के रूम नंबर 202 में रुके हुए थे। रविवार को तबीयत खराब होने के चलते विलियम ने चेकअप करवाया था। एमपी के टीकमगढ़ जिले में 1.25 करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तारी हुई है। फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खाते में जमा 5 करोड़ सीज किए गए। बहराइच में प्रेम प्रसंग के शक में लड़की की हत्या। पिता ने फरसे से लड़की की जान ली। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए। फरीदाबाद में पुलिस दबाव के चलते थाने पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल। रजत का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए पुलिस ने लिखा अथॉरिटी को पत्र। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था रजत का वीडियो। राजधानी लखनऊ में मोबाइल शॉप में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग को बुझा लिया गया। दुकान में रखा लाखों का सामान खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लखनऊ में रिहायशी इलाके में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। एक युवक ने अजगर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार हुए हैं। सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 2 दिन पहले ही पानी की टंकी की सफाई हुई। 7,261 करोड़ कीमत के 2,000 रुपए के नोट अभी भी लोगों के पास। आरबीआई ने कहा 2,000 रुपए मूल्य के 97.96% नोट बैंकों के पास वापस आए। संपत्ति की डिटेल नहीं देने वाले कर्मचारियों की योगी सरकार ने रोकी सैलरी। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक संपत्ति की डिटेल देने के लिए कहा था। अभी तक 71% कर्मचारियों ने डिटेल दी। अब आइए तीव्र गति से आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखाते हैं। तेलंगाना के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। नॉर्थ तेलंगाना में अगले 24 घंटे सावधान रहने के लिए कहा गया। 31 सदस्य एनडीआरएफ और 4 बोट्स की वहां पर तैनाती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। उनका हाल जाना। विजयवाड़ा में बारिश से अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं हालात। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। खौफ में लोग जी रहे हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम भी प्रभावितों तक पहुंचा रही है राहत। लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बरसात से बिगड़े हालात। जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार थमी है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। गुजरात में आफत बनकर बरस रही है बारिश। खेड़ा जिले के नाडियाड में भारी बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या। लोग परेशान।
गुजरात के वडोदरा में भी मुश्किल में हालात हैं। भारी बारिश के बाद विश्वामित्री नदी उफान पर बह रही है, कई इलाके जलमग्न हुए। वाराणसी में घटा गंगा का जल स्तर, घाटों पर स्नान ध्यान करते लोग दिखाई दिए। गंगा के जल स्तर में कमी से लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से सेब के बगीचे तहस नहस हो गए हैं। तेज हवा के साथ उखड़कर गिरे पेड़, जमीन पर बिखर गए सेब। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग का अलर्ट है, अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावना है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल, कुदरती आपदा में एक शख्स की जान गई। पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास इकट्ठा हुआ, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन का फैसला, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा, ब्रुनेई रवाना हुए पीएम मोदी, किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा होगा। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार, दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूती पर चर्चा होगी। दौरे के दूसरे फेज में पीएम मोदी जाएंगे सिंगापुर, दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे, आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर आईसीआईसीआई बैंक ने कहा, 2013 में रिटायर होने के बाद माधवी बुच को कोई वेतन या भुगतान नहीं दिया गया। आरएसएस समन्वय बैठक का समापन हुआ, सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत का संघ पदाधिकारियों और सहयोगी संगठनों को निर्देश, शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पनपता है।